हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले छोटे बच्चों को लेकर के। हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं और अभी सर्दियां शुरू हो चुकी है। सर्दियों में होता क्या है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, छाती जाम होना, बच्चों को ये दिक्कत देखने को अक्सर मिलती है हमारे घरों में। बड़े हो तो क्या होते हैं, उनको दवाई पानी देकर उनको ठीक कर सकते हैं, दवाइयाँ भी ले सकते हैं और भी जो प्रयोग करने होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे दवाई नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि छोटे बच्चों को आप बिना मेडिसिन दिए कैसे ठीक कर सकते हो। एक आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं जो आपको रसोई के अंदर ही बनाना है और बच्चों पर अप्लाई करना है। बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ठंड से बचे रहेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं फार्मूला कौन सा है। बस दो चार चीजें आपको चाहिएंगे जो आपको घर की रसोई में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं रसोई की ओर। अभी हमें देखिए रसोई में क्या क्या चीजें लेनी है। आपको देखिए 50 ml तो तेल लेना है सरसों का, जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा घर में। और 1 चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। और देखिए 8 से 9 कलियां आपको लहसुन लेना है, जिसको छीन लेना है। लहसुन को छील करके थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। लहसुन को थोड़ा बारीक कुटाई कर देनी है। अभी गैस चूल्हे पर हमें एक बर्तन को चढ़ा लेना है और तेल डाल देना है उस बर्तन के अंदर इस प्रकार से। और उसमें हमें करना क्या है, जो लहसुन की कुटाई करी है वो लहसुन को इसमें डाल देना है। उसके बाद जो अजवाइन हमें ली है वो अजवाइन भी इसके अंदर ही इस प्रकार से छोड़ देनी है। और इसको अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है ताकि ये लहसुन और अजवाइन बिल्कुल काली पड़ जाए। बिल्कुल मंद आंच पर इसको भूनना है। अभी हमने देखिए लहसुन अजवाइन को तेल के अंदर भून लिया है, लहसुन बिल्कुल काले पड़ गए हैं। अभी करना क्या है, इसको छान लेना है। तेल को हमने छान लिया है। अभी इस तेल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको बताते हैं बच्चों पर कैसे अप्लाई करना है। थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं इसको। अभी तेल देखिए ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद दोनों हमारे बच्चे हैं देखिए, और बच्चों के तलवे होते हैं ना, इसी प्रकार से आपको भी मालिश करनी है। शाम को भी करनी है, सुबह भी करनी है। जब सोने लगे ना बच्चे, उस टाइम बच्चों के तलवों की थोड़ा सा तेल लेकर के बच्चों के तलवों की मालिश करना है। तासीर तेल की गर्म है, गर्म होने की वजह से बच्चे के तलवे जो ठंडे रहते हैं ना वो गर्म हो जाएंगे और पूरी बॉडी में ये इफेक्ट डालेंगे। छाती जाम नहीं होगी, ठंड लेने लगेगी, जुकाम नहीं होगा और बच्चे एकदम से स्वस्थ रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो आप भी इस प्रकार से ये तेल बना करके आप अपने बच्चों की रोजाना मालिश कीजिए, तो बच्चे एकदम से तंदुरुस्त रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रयोग को कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर घर तक पहुँच सके और सभी जो देश के बच्चे हैं वो स्वस्थ रह सकें। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।